This video is co-sponsored by Glow Looks Forever Hair Waving Center, Non-Surgical Hair Replacement, Beauty and Hair Studio. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व पूर्व विधायक प्रकाश गजभिये हर साल गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। पिछले वर्ष से वह गणपति उत्सव के द्वारा कोरोना विषय जन जागृति करने का काम कर रहे हैं। इस साल भी उन्होंने समाज के प्रतिष्ठान लोगों को गणपति पंडाल में बुलाकर कोरोना विषयक जन जागृति का काम किया। खुद जिले के जिलाधिकारी ने भी गणपति पंडाल को भेंट देकर इस विषय का संज्ञान लिया, मगर इस गणेश उत्सव की संपत्ति की हजारों की भीड़ देखी गई, जहां कोई कोरोना का पालन करता नहीं दिखा। पिछले साल से पूर्व विधायक प्रकाश गजभिये गणेश उत्सव के माध्यम से कोरोना विषयक नियमों को लेकर और वैक्सीनेशन को लेकर जन जागृति कर रहे हैं। इस साल भी उनके गणेश पंडाल को प्रतिष्ठित लोगों ने भेंट दी, जिसमें जिलाधिकारी भी शामिल है। 12 दिन के आसपास चला यह गणेश उत्सव लोगों को कोरोना विषयक नियमों से अवगत करने को था, मगर उत्सव के आखिरी दिन सब जन जागृति पर पानी फिरता दिखा। गणेश विसर्जन के समय हजारों की भीड़ दिखी, जिसमें कोई भी कोरोना नियम का पालन करता नहीं दिखा। इस बात से सवाल खड़ा होता है कि इतने दिन कोरोना विषयक नियमों पर जन जागृति की, उससे लोगों ने क्या सीखा और हर साल यही भीड़ जुटती गई। इसके लिए पूर्व विधायक जी ने क्या सावधानियां ली थी? कोरोना काल अभी भी चल रहा है, ऐसे में छोटी सी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, यह सभी को ध्यान में लेना चाहिए। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नंदकिशोर कालभूत के साथ प्रकाश शुंकरवार, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।